मैं एक केस हार चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में। एयरफोर्स का मामला था, दाढ़ी रखी गई थी और जहां मैं बहस कर रहा था वहां 3-4 मुसलमान साथ खड़े थे, किसी के दाढ़ी नहीं थी। तो चंदूचूत साहब ने पूछा कि दाढ़ी रखना आपके यहां क्या एक फ़र्ज़ है? तो मैंने कहा कि साहब फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन सुन्नत है। अब वो जो कैटेगरीज लॉ में कैटेगरीज उनके सामने थी, बिकॉज एक सिख दाढ़ी रखता है, पगड़ी पहनता है, उसको फ़र्ज माना जाता है, 5 फ़र्ज जो हैं उनके यहाँ माने जाते हैं। मैंने कहा सुन्नत है, सुन्नत का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं समझ में आया और शायद मैं सुन्नत का कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाया। सुन्नत क्या होती है हम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका सुन्नत से वाबस्ता ना हो, जो सुन्नत से, वो नहीं जानता कि सुन्नत और फ़र्ज में कितना फ़र्क है और क्या वो इतना फ़र्क है कि किसी की नौकरी एयरफोर्स की आप छीन सकते हैं, क्योंकि वो सुन्नत पे यकीन रखता है। और मैं कह नहीं पाया क्योंकि 5 मुसलमान वकील खड़े थे और किसी के दाढ़ी नहीं थी, तो मैं ये कह नहीं पाया कि ये फ़र्ज़ है, नहीं तो वो मुझसे पूछते आप 5 क्या कर रहे हैं और आपकी दाढ़ी कहाँ है। तो ये एक बड़ा मसला था। किसी ने मंदिरों में आप जाएँ या किसी रिलीजियस जगह पर जाएँ तो वो बांधते हैं, कलावा बांध देते हैं। और एक दफ़ा किसी ने मेरे कलावा बांध दिया। इत्तेफाक से अगले दिन मुझे ईद की नमाज़ पे जाना था फरुखाबाद में। दिल्ली से चलकर मैं ईद की नमाज़ में सुबह 8 बजे फरुखाबाद पहुंच गया। तब सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी और नमाज के बाद हम सब लोगों से जो ईद मिलन में ईद मिलते हैं, लोगों से गले लगते हैं, वो सब हो रहा था। तो एक साहब ने मेरा कलावा देख लिया और कहा आपसे यकीनन नहीं कभी मैं गले मिलूंगा, देखिए आपके हाथ में क्या है। तो मैंने कहा कि मियां ऐसा है, ये तो कलियर शरीफ का है। सियासी ज़िंदगी में, हमारी कौमी ज़िंदगी में ये सवाल हम पर उठता है और उठाने वाले हमारी ही कौम के लोग होते हैं। हम किसी के मंदिर में किसी के साथ चले जाते हैं, वो टीका लगा देता है, तो जब तक हम बाहर निकलते हैं तस्वीर खींचकर वो फेसबुक पे डाल दी जाती है कि ये भी हिंदू हो गए हैं, ठीक है, ये भी हिंदू हो गए हैं। अच्छा, और अगर पोछते हैं, अगर अपना फॉरहेड पोछते हैं तो उसकी भी तस्वीर खींच जाती है कि इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है, इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है कि हमने टीका लगाया था। कोई आकर ये भी कह देता है कि यहाँ से दोजख में आग जलेगी, जब जाओगे तो यहाँ दोजख में आग जलेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा मज़हब इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के टीके लगाने से मेरा मज़हब, मेरा ईमान जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं ये मानता हूँ कहीं नाम बदले जा रहे हैं, कहीं इज्जत लूटी जा रही है, कहीं फिज़िकल तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, कहीं एक पैगाम दिया जा रहा है कि बस तुम अपनी हद में रहो, हद से ना बढ़ो। हम सांस लेने देंगे लेकिन सांस के अलावा और कुछ नहीं लेने देंगे, जबकि हमारा आईन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ सांस लेना ही काफ़ी नहीं है, सांस नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी, होलसम ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना भी हर इंसान का हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मैं तो ये समझता हूँ कि नेताजी की ज़िंदगी और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो उनकी रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स रहें या उन्होंने वायलेंस का साथ दिया, उन सब से हमको बहुत कुछ सीख मिल सकती है आज की सियासत को समझने के लिए कि कब किसका साथ किस मजबूरी में किस हद तक जाकर दिया जा सकता है और कब कभी भी कितना भी हो जाए साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ इशारतन बताया गया कि इख्तलाफ इस बात का था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कंजर्वेटिव लोग थे और जब कांग्रेस पार्टी के सामने ऐसे मंसूबे रखे गए जो कंजर्वेटिव लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, तो उसकी वजह से नेताजी को अपनी क़यादत भी छोड़नी पड़ी, अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी। 38 में प्रेसिडेंट बने, 39 में, बावजूद इसके कि सभी लीडर्स ने उनको समझाने की कोशिश करी कि आप मत लड़िए, 39 में लड़े, जीते, लेकिन उसके बाद फिर मजबूर होकर उन्हें अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके साथ हम ये भी ना भूलें कि जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेताजी के सामने तुम मुकाबले में उतर जाओ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके सामने मैं मुकाबले में नहीं उतरूंगा।
और उसके बाद मौलाना आज़ाद से कहा गया कि मौलाना आप खड़े हो जाइए उनके खिलाफ, तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं यकीनन उनके खिलाफ नहीं खड़ा होऊंगा। तो जब इख्तलाफ था, जब इख्तलाफ था तब भी ये लोगों का नज़रिया था, इख्तलाफ के बावजूद ये लोगों का नज़रिया था। मौजूद ख़वातीन हज़रात या बहुत अजीम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और सब ने बहुत खूबसूरती से आज के जो मौजू है उस पर अपने तासुरात, अपने ख़यालात पेश किए। जो यहाँ एक बहुत बहुत तफसील में नेताजी के ज़िंदगी के जो हालात थे और जो उनके तासुरात थे उस पर यहाँ पर रोशनी डाली गई। मैं ये समझता हूँ कि खराज अकीदत तो हम पेश कर ही रहे हैं और हमने ये अपना एक अहद आज हमारे मलकी साहब ने हम सब की तरफ से लिया है कि हम लोग यकीनन इसको सिर्फ एक ही दफ़ा करके भूल नहीं जाएंगे, बल्कि इसको, इस सिलसिले को यकीनन आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे और उससे सभी को फ़ायदा होगा, हमको सभी उसको से उससे फ़ायदा हमको यकीनन मिलेगा। लेकिन हम नेताजी के लिए कोई प्रोग्राम करें तो और बड़ा करें और वसी हो जाए वो प्रोग्राम, और यकीनन होगा। लोग जब आपके तासुरात लोगों तक पहुंचेंगे तो यकीनन लोग चाहेंगे कि वो पहुंचें और आपकी बात को और तफसील से सुने। लेकिन खराज अकीदत पेश करने के बाद मैं सिर्फ एक नए पहलू पर थोड़ी सी रोशनी डालना पसंद करूंगा, और वो ये कि जो कुछ आपने सुना, कुर्बान भाई ने जो कहा, नत्ता जी ने जो कहा, जो हमारी बहन 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 ने कहा, सब लोगों ने जो बात आपके सामने रखी है वो क्या हमको सबक देती है बात, वो जो सबक हमको देती है वो ये है कि हमने कैसे ये समझ लिया कि हम सेकुलरिज्म को भी अच्छी तरह समझते हैं, हम जो एक सच्ची ज़िंदगी होती है उसको भी जानते हैं, कुर्बानी क्या होता है उसको भी समझते हैं, और बहुत कुछ यकीनन नहीं हो पाया उसकी आज हम शिकायत करें या उसको आज फिर ठीक करने की कोशिश करें। जो हमारा वक्त गुज़र चुका है उस गुज़रे हुए वक्त पर हम आज बैठकर गुफ्तगु करें तो उसका लहजा हमारा इस बात का हो कि ये तुमने गलत किया या तुमने गलत किया, या हमारा लहजा ऐसा होना चाहिए कि हम कहें कि हमसे कहाँ कमी रह गई, इसमें कहीं ना कहीं हमसे कमी रह गई, दूसरे को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि तुमने ये नहीं किया और तुमने ये नहीं किया, तुमने जो हक बनता था नेताजी का और जो आईएनए का हक बनता था वो आपने नहीं दिया, और अब हक तलफी और बर्दाश्त नहीं होगी। एक हमारा कहने का तरीका ये भी हो सकता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आइए आज ज़रा इत्मीनान से बैठकर गौर ज़रा कर लें कि हमने कौन कौन से मौके खो डाले, हमने क्या क्या हम कर सकते थे हमने नहीं किया, आइए आज फिर से एक नई तहरीक, आज से एक नई शुरुआत, आज से एक नई खोज करके ये बताएं कि हमने क्या नहीं किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का ख़तरा है कि हमारे जो भी आइकॉन्स हैं और जो हम समझते हैं कि हमारी कौमी ज़िंदगी के फूल हैं, वो आज हमसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। फूल हमसे कोई कैसे छीन सकता है? अगर हम फूल की अहमियत समझते हों तो कोई हमसे फूल कैसे छीन सकता है? लेकिन अगर हम इसी गुफ्तगू में मुतला हो गए कि ये फूल इसलिए छीने जा रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया या तुमने इनकी हिफाजत नहीं की इसलिए फूल छीने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फूल हमारे
हमसे छीन ही लिए जाएंगे, और अगर हम गुफ्तगू का तर्ज बदल दें और तरीका बदल दें तो हम इन फूलों को महफूज रख पाएंगे। अब हम ये ना भूलें, हम ये ना भूलें कि कितना इख्तलाफ रहा होगा, और यहाँ इशारतन बताया गया कि इख्तलाफ इस बात का था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कंजर्वेटिव लोग थे, और जब कांग्रेस पार्टी के सामने ऐसे मंसूबे रखे गए जो कंजर्वेटिव लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, तो उसकी वजह से नेताजी को अपनी क़यादत भी छोड़नी पड़ी, अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी। 38 में प्रेसिडेंट बने, 39 में, बावजूद इसके कि सभी लीडर्स ने उनको समझाने की कोशिश करी कि आप मत लड़िए, 39 में लड़े, जीते, लेकिन उसके बाद फिर मजबूर होकर उन्हें अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके साथ हम ये भी ना भूलें कि जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेताजी के सामने तुम मुकाबले में उतर जाओ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके सामने मैं मुकाबले में नहीं उतरूंगा। और उसके बाद मौलाना आज़ाद से कहा गया कि मौलाना आप खड़े हो जाइए उनके खिलाफ, तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं यकीनन उनके खिलाफ नहीं खड़ा होऊंगा। तो जब इख्तलाफ था तब भी ये लोगों का नज़रिया था, इख्तलाफ के बावजूद ये लोगों का नज़रिया था। दूसरी बात, बहुत तारीफ उनकी की गई, हिपोक्रेसी नहीं थी, जो समझते थे, जिस पर उनको यकीन था उस बात को साफगोई से कहते थे और उस पर अमल करते थे, ये बात सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आखिर कभी कभी महात्मा गांधी ने उनका पूरा साथ भी दिया, और उसकी बात अभी आपको बताई गई कि उनका पूरा साथ दिया, कलकत्ते के मामले में उनका पूरा साथ दिया, और कभी कभी महात्मा गांधी ने कोशिश ये भी करी या कोशिश किसी से करवाई कि वो उतनी दूर तक ना जाएं जहां तक वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत में मसलियत भी होती है। हमारी ज़िंदगी में, आज कौमी ज़िंदगी में, एक तरफ मसलियत को हम नहीं समझते हैं, मसलियत को हमने इख्तलाफ बना दिया, मसलियत को हमने ये मान लिया कि ये हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, और मसलियत के साथ साथ प्रिंसिपल भी होता है, उसूल भी होते हैं, और कभी कभी हार कर भी उसूल पे खड़ा रहना ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी ज़िंदगी में, और जब मैं कौमी ज़िंदगी की बात करता हूँ तो मैं सारी सेकुलर पार्टीज़ की बात करता हूँ, बहुत सारे सेकुलर पार्टीज़ पर सवालिया निशान लगते हैं कि ये सेकुलर हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ कहने के लिए सेकुलर हैं, ये सेकुलर हैं नहीं। तो अगर जो पार्टीज़ अपने आप को सेकुलर कम से कम कहती हैं, और उन पार्टीज़ पर हमें भरोसा नहीं रहेगा, तो फिर जो पार्टीज़ सेकुलर नहीं हैं उन्हीं पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर किस पर भरोसा करेंगे? और उन पर भरोसा किया तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे कि जब हमको मौका मिला था तो हमने क्या किया? और फिर तारीख हमारे नाम कहाँ लिखेगी, किस सफ़े पे लिखेगी? ये बड़े बड़े सवाल उठ जाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नेताजी की ज़िंदगी और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो उनकी रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स रहें या उन्होंने वायलेंस का साथ दिया, उन सब से हमको बहुत कुछ सीख मिल सकती है आज की सियासत को समझने के लिए, कि कब किसका साथ किस मजबूरी में किस हद तक जाकर दिया जा सकता है, और कब कभी भी कितना भी हो जाए साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये दो पहलू थे, एक तरफ महात्मा गांधी का, एक तरफ नेताजी का, दो अलग अलग पहलू थे। कौन सा सही था कौन सा गलत था कहना मुश्किल है, क्योंकि एक पहलू आगे बढ़ नहीं पाया, दूसरा पहलू आगे बढ़ा, और आज हमको सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जो पहलू आगे बढ़ा था और जिस पहलू पर हमें भरोसा था और हमें फ़ख्र था जिस पहलू पर, आज उसी को बर्बाद किया जा रहा है, हमारी आँखों के सामने उसको बर्बाद किया जा रहा है। कहीं नाम बदले जा रहे हैं, कहीं इज्जत लूटी जा रही है, कहीं कहीं फिज़िकल तकलीफ पहुंचाई जा रही है, कहीं एक पैगाम दिया जा रहा है कि बस तुम अपनी हद में रहो, हद से ना बढ़ो। हम सांस लेने देंगे लेकिन सांस के अलावा और कुछ नहीं लेने देंगे, जबकि हमारा आईन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ सांस लेना ही काफ़ी नहीं है, सांस नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी, होलसम ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना भी हर इंसान का हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कुछ तब्दीली कुछ तरमीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सकती, और उसको आज ये बताया जा रहा है कि तरमीम क्यों नहीं आ सकती, पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है। तो सच पूछिए मुझसे, तो आज जो सवाल डेमोक्रेसी पर उठाए जा रहे हैं कि जम्हूरियत आखिर क्या चीज़ है, जम्हूरियत क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, आज जो सवाल ये उठाए जा रहे हैं इनमें बहुत सारे जवाब हमको उस वक्त से मिल जाएंगे, वो किस्सों में मिल जाएंगे जो किस्से आज आपके सामने यहाँ रखे गए। अंसारी साहब ने एक बात कही आज, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ नहीं, किताबों वाली बात नहीं कह रहा हूँ, वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने ये, क्योंकि ये हमारी सियासी ज़िंदगी में, हमारी कौमी ज़िंदगी में ये सवाल हम पर उठता है, और उठाने वाले हमारी ही कौम के लोग होते हैं। हम किसी के मंदिर में किसी के साथ चले जाते हैं, वो टीका लगा देता है, तो जब तक हम बाहर निकलते हैं तस्वीर खींचकर वो फेसबुक पे डाल दी जाती है कि ये भी हिंदू हो गए हैं, ठीक है, ये भी हिंदू हो गए हैं। अच्छा, और अगर पूछते हैं, अगर अपना फॉरहेड पोछते हैं तो उसकी भी तस्वीर खिंच जाती है कि इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है, इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है कि हमने टीका लगाया था। कोई आकर ये भी कह देता है कि यहाँ से दोजख में आग जलेगी, जब जाओगे तो यहाँ दोजख में आग जलेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा मज़हब इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के टीके लगाने से मेरा मज़हब, मेरा ईमान जो है वो ख़त्म हो जाए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन एक किस्सा, क्योंकि इतने खूबसूरत किस्से आप लोगों को सुनाए गए हैं, एक किस्सा मैं भी आपको सुना दूं। किसी ने मंदिरों में आप जाएं या किसी रिलीजियस जगह पे जाएं तो वो बांधते हैं कलावा बांध देते हैं, और एक दफ़ा किसी ने मेरे कलावा बांध दिया। इत्तेफाक से अगले दिन मुझे ईद की नमाज़ पे जाना था फरुखाबाद में, दिल्ली से चलकर मैं ईद की नमाज़ में सुबह 8 बजे फरुखाबाद पहुंच गया, तब सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, और नमाज के बाद हम सब लोगों से जो ईद मिलन में ईद मिलते हैं, लोगों से गले लगते हैं, वो सब हो रहा था, तो एक साहब ने मेरा कलावा देख लिया और कहा, आपसे यकीनन नहीं कभी मैं गले मिलूँगा, देखिए आपके हाथ में क्या है। तो मैंने कहा कि मियाँ ऐसा है, ये तो कलियर शरीफ का है। बहरहाल, लेकिन आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि क्योंकि हम लोग दोनों कानून से हमारा ताल्लुक है, बताना ये चाह रहा था कि मैं एक केस हार चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, एयरफोर्स का मामला था, दाढ़ी रखी गई थी, और जहाँ मैं बहस कर रहा था वहाँ 3-4 मुसलमान साथ खड़े थे, किसी के दाढ़ी नहीं थी। तो चंदूचूत साहब ने पूछा कि दाढ़ी रखना आपके यहाँ क्या एक फ़र्ज़ है? तो मैंने कहा कि साहब फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है। अब वो जो कैटेगरीज़ लॉ में कैटेगरीज उनके सामने थी, बिकॉज एक सिख दाढ़ी रखता है, पगड़ी पहनता है, उसको फ़र्ज़ माना जाता है, 5 फ़र्ज़ जो हैं उनके यहाँ माने जाते हैं। मैंने कहा सुन्नत है, सुन्नत का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं समझ में आया, और शायद मैं सुन्नत का कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाया। सुन्नत क्या होती है हम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका सुन्नत से वाबस्ता ना हो, जो सुन्नत से वो नहीं जानता कि सुन्नत और फ़र्ज़ में कितना फ़र्क है, और क्या वो इतना फ़र्क है कि किसी की नौकरी एयरफोर्स की आप छीन सकते हैं, क्योंकि वो सुन्नत पे यकीन रखता है। और मैं कह नहीं पाया क्योंकि 5 मुसलमान वकील खड़े थे और किसी के दाढ़ी नहीं थी, तो मैं ये कह नहीं पाया कि ये फ़र्ज़ है, नहीं तो वो मुझसे पूछते आप 5 क्या कर रहे हैं और आपकी दाढ़ी कहाँ है। तो ये एक बड़ा मसला था, और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कभी कभी, हम लोग कितने भी दानिश्वर क्यों ना हो, हम कभी कभी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जब हिजाब का केस आया तो हिजाब के केस में उसी वक्त ईरान में, जब केस सुना जा रहा था उसी वक्त ईरान में हंगामा हो रहा था, जहां औरतें निकल कर ये कह रही थी गोली मार दो, लेकिन हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हम हिजाब नहीं पहनेंगे।
और यहाँ लड़कियाँ ये कह रही थीं कि हमको हिजाब पहनने दीजिए ताकि हम तालीम तालीम पा सकें, और अगर हमको हिजाब नहीं पहनने देंगे तो हमको आप स्कूल में जाने की हमको इजाज़त इजाज़त नहीं दी जाएगी अगर हम हिजाब पहने। तो ये कॉन्सेप्ट एक ही था, हम सब जानते हैं कि हिजाब का मकसद क्या है, हिजाब का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन एक जगह उसका उसको एक तरीके से हैंडल किया जा रहा था और दूसरी जगह उसको दूसरे तरीके से हैंडल किया किया जा रहा था। यहाँ तक कि दो ऑनरेबल जजेस आपस में एक राय नहीं कर पाए और अलग अलग दोनों ने अपने फैसले दे दिए, जो अब तीन जजेस फाइनली जाकर फैसला करेंगे। तो जो आज आपके सामने बातें रखी गई हैं, मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी बातें ये बताती हैं कि हम इतनी आसानी से ये मान ना बैठें कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अच्छी तरह समझते हैं, और ज़्यादा गौर करने की और गुफ्तगू की यकीनन ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे से कुछ समझ कर जो उस कॉन्सेप्ट का वो है जुज है उसको अच्छी तरह समझ कर फिर अपनी ज़िंदगी में उसको हम लागू कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज और कुछ नहीं तो खिराज अकीदत पेश की, और आज हम लोगों को शायद कुछ इशारे इस बात के मिले हैं कि ये मत बैठ कर समझ लेना कि हम सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को आज मिला है। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मज़मून आज हम हमारे सामने रखे हैं, और उम्मीद ये है कि यहाँ से जाकर भी हम बहुत कुछ सीखते ही रहेंगे, और अगले साल जब हम लोग यहाँ सब इकट्ठे होंगे तो शायद हम में से कुछ और नई बात कहने का हमको मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।